बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत ही दिल से बनाया हुआ है जो भी सभी यहाँ ने मेहनत की है इतनी, और बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पता है एक चीज़ होती है कि भगवान के सामने आने के बाद ना कुछ भी आप मांग नहीं सकते हो, क्योंकि एक ऐसी ऐसा एक ऑस्ट्रक हो जाते हो कि कुछ भी आपको जो भी मांगने का मन हुआ होगा, बट भगवान के सामने होता ही नहीं है। बस वही मेरे साथ हुआ है, बहुत ही मैजिकल फील है। जी बहुत अच्छा किया जो साई बाबा उत्सव समिति है एनजीओ, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, पूरा रौनक रौनक हो गई है पूरी ही लेन में, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जॉब। मंडल में हमारे लिए वही बहुत बड़ी खुशी की बात है। नहीं मतलब ये तो आपका निखिल है तो बनता ही है, आना ही था, बहुत बहुत अच्छा लगा। चलो अभी आप हार्वेस्ट में साई बाबा जो यहाँ पर महाभव्य उत्सव रखा गया है, आप यहाँ पर मौजूद हो जी, आपने अभी साई बाबा का ब्लेसिंग लिया, कितना ब्लेस फील कर रहे हैं? साई बाबा उत्सव समिति खार वेस्ट को मैं धन्यवाद देती हूँ जो इस समिति ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे मौका दिया कि मैं साईं बाबा के दर्शन कर सकूँ, उनका आशीर्वाद ले सकूँ, इस भंडारा में उपस्थित हो सकूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ साईं बाबा उत्सव समिति को और यहाँ पर जो सभी श्रद्धालु मौजूद हैं उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आपकी कितनी श्रद्धा जुड़ी है साईं बाबा के, आप कितना मानते हैं साईं बाबा के, ऐसी कोई विश हो, मनोकामना जो आपकी पूरी हो या आपकी नहीं है? जी मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि साईं बाबा जी हम सब की मनोकामनाएं पूरी करें, उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जीतू जी कितनी खुशी है मैम यहाँ पर शैलिन चोपड़ा जी जैसे बॉलीवुड की नामी जानी हस्ती हैं, उनको हम इन्विटेशन दिए, उन्होंने इन्विटेशन को स्वीकारा और अपना कीमती वक्त यहाँ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। और ऐसे हम आगे भी आपका आशीर्वाद और साथ चाहेंगे, आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते रहें, आपकी उपस्थिति रहे, धन्यवाद। आज ये जगह पे जो साईं बाबा जी का जो भंडारा है तो इसमें एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि साईं बाबा जी जो थे वो एक कास्ट के नहीं थे, वो सब जाति धर्मों के लोगों के थे, तो उनके इधर जो लंगर है वो सभी लोगों के लिए उपयुक्त था, खाने के लिए था, और पहले से परंपरा, कोई जादूगर नहीं थे, कोई बाबा नहीं थे, वो समाज की सेवा करने वाले अच्छे वो समाज प्रबोधनकार थे वो, और लोगों के लिए सेवा करते करते उनका ये हो गया, मतलब वो स्वर्गवास हो गया, तो लोग उनको एक जादुई कलाकार जैसे समझते, पर वैसा कुछ नहीं है, आज तक किसी को पता नहीं चला कि बाबा कौन से कास्ट के थे, इसलिए उन्होंने सबको इकट्ठा रख के सबको अपने लड़कों की तरह, बाल बच्चों की तरह उन्होंने प्यार दिया। वैसे ही मोहसिन भाई, उनकी पूरी टीम, निखिल भाई रोपरेल और उनके सब पूरी टीम है, ये सभी दोस्तों को इकट्ठा करते हमेशा, और जो उन्होंने आज जो सत्कार्य काम किया है, जो भोजन सबके लिए है, तो जो पेट में जाने के बाद जो दुआ निकल रही है वो शायद बहुत कम लोगों को नसीब होती है, तो हमारा भी भाई को ब्लेसिंग है। साथ ही हमारा कि ज़िंदगी में कभी और कुछ कार्यक्रम रहते हैं तो हम आपके एक फ़ोन पे और एक आवाज़ पे आ जाएंगे और आपके साथ जुड़े हैं, तो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक आपको जुड़ जाएंगे, ये आपको वचन है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम शिंदे जी का जो अपने कीमती समय से समय निकाले खार सेवा साई समिति के लिए, उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। उसके साथ ही उनसे जैसे उन्होंने कहा आगे भी वो हमारा साथ देंगे हर प्रोग्राम फंक्शन में, उनसे यही विनती है कि आगे भी दादा साथ रखिए। धन्यवाद सर। आपको कितनी खुशी हो रही है आज यहाँ पर आप आए, उपस्थित रहे, साईं बाबा जी का ब्लेसिंग लिया, कैसा फील हो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे बड़े भाई श्याम शिंदे साहब ने यहाँ मुझे लाया है, मुझे तो निमंत्रण नहीं था, लेकिन देखो साईं बाबा की कितनी बड़ी कृपा है, सबका मालिक एक है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं सारे समाज के, सारे जाति के सारे लोग साईं बाबा को मानते हैं, और हम नतमस्तक हो रहे हैं आप लोगों का सबका प्यार देख के, साईं बाबा के चरण के ऊपर हमारा नतमस्तक है हम लोग, कि सारे इंडिया को
पूरे दुनिया को एक करके रखा है। उन्होंने सिखाया है कि कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कुछ नहीं, सबका मालिक एक है। इसी तरीके से इंडिया के सारे लोग एक मिल के रह रहे हैं। मैं ये जिन्होंने भंडारा रखा है और श्याम शिंदे जी मेरे बड़े भाई, आप लोग सब हमारे दोस्त लोग हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मेरे तरफ से। धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने इतना सक्सेसफुल जो ये आज भंडारा रखा है, जिसमें मैं समझता हूँ हर साल ये लोग रखते हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग आते हैं इस भंडारा के अंदर, और एक ये ऐतिहासिक भंडारा रहता है मुंबई में। मुंबईकरों को इसका इंतज़ार रहता है कि साल होगा आप शुरू करेंगे, सब आएंगे, और आप खुद देख सकते हो पूरी तरह से भीड़ जमा हुई है, पूरा उत्सव और ऐसा एक मंजर है यहाँ पर, एक जो देख कर एक खुशी का माहौल है। और मैं तो चाहूँगा कि हर साल इसी तरह ये करें और हमारे लायक कुछ भी सेवा हो तो हम आपके लिए हमेशा थे खड़े, हमेशा खड़े रहेंगे। और इसमें आप एक चीज़ और देखिए, हर तरह का पॉलिटिकल पार्टी का इंसान यहाँ पर है, हर समाज का व्यक्ति, हर समाज की हमारी बाँ बहन सब यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर कोई कास्ट क्रीड कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, तमाम तबके के लोग आए हैं। और मुझे खुशी है कि मुझे भी लोग बुलाते हैं हर साल। निखिल भाई का भी बहुत शुक्रिया, युवा नेता है यहाँ के, आगे बढ़ने वाले ये बहुत। और ज़्यादा कुछ बोलने के लायक है नहीं भंडारा पे। क्या लगता है कि यहाँ पर जात धर्म को एक साइड में रखते हुए एक जो एक सभी समाज जी के वर्ग के कम्युनिटी को इकट्ठा करके एक मैसेज समाज एक मैसेज देना चाह रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही तो हमारे महान भारत देश की खूबसूरती है ना, सेकुलरिज्म प्लुरिज्म, गंगा जमुना की जो तहजीब है वो यहाँ से आप देखिए कैसा लगता है कि हर इंसान हर एक दूसरे का फेस्टिवल बनाते हैं। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद रह के एक साथ एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर एक अच्छे कार्य में आते हैं। यही खूबसूरती है हमारे भारत देश की, यही हाईलाइट होना चाहिए देश के सामने। और देखिए हमारे हिंदू भाई बहन सब यहाँ पे, मुसलमान भाई, तमाम जात के लोग यहाँ पर आए, विदाउट एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, यही खूबसूरती है भारत। आपको क्या लगता है कि सियासत है डेमोक्रेसी है, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान को मानते हैं जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था। अब डेमोक्रेसी ये बोलता है एग्री टू डिसएग्री, उसकी ब्यूटी है ये। अगर मुझे सरकार की कोई नीति से अगर मैं सहमत नहीं हूँ तो सर जाहिर सी बात है मैं उसके खिलाफ बोलूँगा, ये डेमोक्रेसी है, ये खूबसूरती है देश की। उसको हर इंसान अपने अपनी तरफ से समझता है, सियासतदार अपनी तरफ से समझता है, हर लोग अपनी तरफ से समझते हैं, मगर देश की खूबसूरती उसका संविधान, उसका डेमोक्रेसी और उसका सेकुलर फैब्रिक है जो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका। कितनी खुशी हो रही है वाइस पठान जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ यहाँ से साई सेवा समिति की तरफ से वाइस पठान जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे भंडारे में आने का समय दिया। आगे भी मैं वाइस पठान जी से रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत सारे हमारे ऐसे कार्यक्रम चलते हैं सामाजिक, आप कृपया करके उसमें भाग लेते हैं, 100% आएंगे आपके कार्यक्रम के अंदर। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं तो चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाए ये सब चीज़ पूरी तरह से, किस तरह से सजाया है भंडारा, पब्लिक देखो यहाँ पर खड़ी हुई है और हर तरह के लोग आए, तो ये एक बहुत अच्छा माहौल आपने क्रिएट किया है। मैं आपका इस बात के लिए आभार मानता हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, दो बात बोलने का अपना अवसर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थोड़ा संयम बना के रखते, काफी लोग इस भंडारे के साथ जुड़ चुके हैं। जिसान जी क्या कहना चाहते हो, अभी आपने साईं बाबा जी का दर्शन किया, ब्लेसिंग लिया, कितना ब्लेस फील कर रहे हो आप? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है इस मौके पर आने के लिए। मैं बधाई देना चाहूँगा साई बाबा उत्सव समिति की, जो हर साल ये बढ़िया सा आयोजन करते हैं, हज़ारों भक्तों को खाना खिलाते हैं, निखिल रुपरेल जी का, समीर मौर्य जी का, जीतू सिंह जी का, तो बहुत ही अच्छा लगता है हर साल की तरह। उन्होंने इस साल भी एक मेलावा रखा जिसमें हज़ारों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, और मुझे लगता है लोगों को खाना खिलाने से ज़्यादा कोई पुण्य रहता नहीं है, इसीलिए मैं इसमें शामिल होकर बहुत खुशी महसूस करता हूँ। साई बाबा के जो भक्त हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वेल विशेस देना चाहते हैं? मैं आपकी अपनी वेल विशेस देना चाहूँगा, मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और निखिल जी संदीप जी उनको यही कहना चाहूँगा कि ऐसे अनेक प्रोग्राम हमेशा रखते दीजिए, लोगों को खाना खिलाते रहिए और पुण्य कमाते रहिए, हम अपने हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू। सबसे दमदार युवा आमदार एवं मुंबई अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के, पहला हमने खार सेवा साई समिति की तरफ से पहला इन्विटेशन जीशान भाई को दिया था, आज भाई का साथ है, देख रहे हैं भव्य कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज हुआ, इसके लिए धन्यवाद भाई को एक बार फिर देना चाहेंगे, उन्होंने अपना समय निकाल के दिया, धन्यवाद। इस
मकसद हुए खार वेस्ट में साई बाबा उत्सव समिति द्वारा जो आयोजित किया गया महाभंडारा साई बाबा के नाम से, कैसा लग रहा है, कितना आशीर्वाद आपको मिला? पहले तो आपको एक बात बताता हूँ कि ये साई बाबा का भंडारा मेरे लिए नया नहीं है। इधर का जब भाव कुछ नहीं था ना, तब भी इधर से गुजरते समय गुरुवार को यहाँ से प्रसाद लेके निकलता था मैं, तो आज बना है मैं हिंदुस्तानी भाव। तो पहला तो अपन साई भक्त है, बराबर है, तो साई के चौकट पे कभी भी किधर भी बुलाए तो पहला मैं जाता है, क्योंकि अपन साई राम वाले ऐसा है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि आप पे रही है साई बाबा की? नहीं 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 नहीं, वो लोग उसको फकीर बोलते हैं, मगर फकीर नहीं, वो सबसे ज़्यादा देने वाला वही है। और आज तक जो जो उसके दरबार में सच्चे दिल से मांगने गया ना, वो खाली हाथ कभी नहीं गया, ऐसा है। तो क्या बोलता है, श्रद्धा सबूरी, सबर रखो जरा, ऐसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और जिस तरह से पूरा प्रोग्राम रखा गया है, आप देख सकते हो किस तरह से पूरा ऑर्गेनाइज किया गया, समीर मौर्य, निखिल पारेल, जीतू जी द्वारा, क्या कहना चाहते हो, कितनी मेहनत है? पहला तो ये तीनों को शुभेच्छा दूंगा बहुत सारा, क्योंकि ये हमारे त्योहार ना ऐसे ही मनने चाहिए, मनाने चाहिए, क्योंकि अभी सब देखने गया था ना कोरोना के, इसमें सब खत्म हो गया था, आज फिर से ये सब चालू हो गया ना, तो सुकून लगता है, ऐसा है। तो ये होना चाहिए, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, जब जब अब इससे त्यौहार रहेंगे, इन लोग मनाएंगे, तो अपना पूरा सपोर्ट है। क्या पूरे मुंबई का, पूरे हिंदुस्तान वालों, आपके जो फैन लोग, क्या मैसेज देना चाहते हो? बस यही बोलना चाहता हूँ कि अपना आना, हिंदुत्व जगना चाहिए अभी। हाँ, वो कुछ लोग रहते हैं भगवा तो पहनते, मगर भगवा का विरोध बहुत करते, समझा? तो आगे आओ ना, मर्द का बच्चा है तो मर्द जैसा आगे आने का, पीछे से ना, पीछे से कोई करता होगा ना तो उसको उंगली नहीं करने का, एक तो करो नहीं तो फिर घर में चुप बैठो, ऐसा है। जीतू जी, कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी की बात है, हिंदुस्तान भाव ने अपने इतने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला, जैसे वो कहते हैं बाबा का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना है, बस इनका भी साथ और आशीर्वाद हम पे बना रहे, हमारे बड़े भाई हैं, धन्यवाद। ठीक है, चलो। ये पूरे आप देख सकते हो कि सभी युवाओं के चेहरे पे एक अलग ही रौनक है, और साई बाबा उत्सव समिति के सभी सहकारियों को मैं दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से हजारों की संख्या में जो साई भक्त है उनको प्रत्येक वर्ष इतना भव्य भंडारा कराते हैं। तो युवा ही देश का भविष्य है, और नए भारत की तरफ हम सब युवा ही देश को लेके जा रहे हैं, और युवा सिर्फ देश को ही आगे बढ़ा लेकिन समाज को भी, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को भी आगे बढ़ा रहे हैं। साई बाबा के भक्त है सब, और प्रत्येक वर्ष मेरे जैसे युवा जो साकार्य कर सकते हैं हम सब भी करेंगे, और इतनी भव्य तरीके से जिस तरीके से बांद्रा में हमारे समिति के द्वारा किया जाता है, ऐसे ही साई भंडारा पूरे मुंबई में समिति द्वारा करे, ऐसा मैं आशीर्वाद साई बाबा जी से मांगना चाहता हूँ। आज मैंने ये दुआ मांगी साई बाबा से कि आने वाले दिनों में जो पिछले कई वर्षों से मुंबई कर एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वंचित था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबईकरों को सही मायने में साई बाबा के आशीर्वाद से मिले, और हमारी जो साई बाबा उत्सव समिति है उनको साई बाबा का इतना भर भर के आशीर्वाद मिले कि इस बार 5,000, अगले बार 10,000 और 15,000 से लाखों की संख्या में लोग ये भंडारे का स्वाद उठाने के लिए आए। भाई आए वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता ही है, बहुत बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हर साल की तरह इस बार भी सपोर्ट किए। जैसे कि मेरा मानना है कि युवा ही देश का भविष्य है, और मौर्या जी जैसे युवा है जो हमेशा ही समाज के अंदर अच्छा कार्य करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे युवा ही देश का काया पलट करेंगे और हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के राह पर लेके जाएंगे। तो ऐसे युवाओं को हमेशा ही साथ देना चाहिए, एक सपोर्ट एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, चाहे वो मुंबई का विषय हो, चाहे महाराष्ट्र का विषय हो, चाहे देश का विषय हो, आगे चलकर युवा ही ये नए भारत के सपने को पूरा करने में आगे आएगा, ये अपेक्षा मैं सबसे रखता हूँ। यहाँ पर जो साई
बाबा उत्सव समिति द्वारा जो इतना बड़ा भव्य साई भंडारा रखा गया खार वेस्ट में, कैसा लग रहा है? यहाँ पर लोग हजारों की तादाद में लोग हैं, यहाँ पर भोजन खा रहे, सब साई बाबा के नाम से ब्लेसिंग ले रहे। सबसे पहले साई बाबा उत्सव समिति खार वेस्ट को मैं धन्यवाद दूंगा, उन लोगों ने हमें आमंत्रित किया इतना भव्य भंडारा का आयोजन, और इसको सहकार बनाने में निखिल रूपारेल जी और उनकी टीम समीर मौर्या जी, इन लोगों का दिन रात का मेहनत जो है आज रंग लाया है। भंडारा तो बस बाबा का आशीर्वाद है, प्रसाद है, इसे सब ग्रहण करने यहाँ आएंगे, इसी शुभकामनाएं मैं देता हूँ सभी को। यहाँ जितने भी कमिटी मेंबर्स हैं, इवन हमारे जीतू भाई हैं, कमलेश भाई हैं, प्रशांत जी हैं, हर लोगों ने अपने तरीके से योगदान दिया। खास करके मीडिया का धन्यवाद करूँगा, मोहसिन भाई ने बहुत हमारे को सहयोग किया आज यहाँ तक पहुँचने में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही आज 10,000 लोगों के करीब मैंने सुना यहाँ प्रसाद का आयोजन किया गया है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ढेर सारी शुभकामनाएं। कितने सालों से चलाया जा रहा है ये? करीब करीब 23 वर्ष मुझे लग रहा है यहाँ हो गया है, और आगे भी बाबा का आशीर्वाद रहा तो 100 वर्ष तक ये ऐसे ही चलता रहेगा और उससे भी आगे निरंतर। जीतू जी, आपका क्या कहना है? पहले तो मैं साईं बाबा को प्रणाम करता हूँ, और इसे आयोजक निखिल रूपारेल जो सहयोग है, साथ में उनके मित्र समीर जी साथ में है, बहुत खुशी की बात है कि इतना बड़ा आयोजक इतनी कम उम्र में करना बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे मित्र, हमारे भाई जितेंद्र सिंह जी साथ में बैठे हुए हैं, निखिल रूपारेल जी तो हमारा भाई छोटा है, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारा आगे बढ़े, इसी तरह आयोजन करते रहे। भक्तों का हार्दिक स्वागत करूंगा, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है ये साईं की कृपा है और सभी लोगों पे हमेशा बनी है, क्योंकि इसमें काफी लोग, जो बड़े छोटे गरीब अमीर, सभी लोग मिलके यहाँ पर भंडारे का लाभ उठाते हैं। और एक साल से नहीं, हम लोग खुद यहाँ पर 30-35 साल से देख रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर हर गुरुवार 500 से 600 लोग यहाँ पर खाते हैं, हर गुरुवार। आज तक ऐसा कोई गुरुवार नहीं हुआ कि कभी खाना नहीं मिला किसी गरीब को। यहाँ पर जो होता है, हमारे समीर मौर्या जी हमारे जो अध्यक्ष है, इनके वजह से और हमारे जितने भी साथी, जो समिति के जितने भी लोग हैं साई बाबा उत्सव समिति के, उन सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम हमेशा ही सक्सेस होता है, जैसा इस साल 2023 में हुआ है, आने वाले टाइम में भी 2024 में भी आपको इससे और बड़ा देखने मिलेगा।